हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं संतोष कुमार स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन से। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करने वाले हैं कि SMD के बारे में काफ़ी लोगों का बहुत सारा जिक्र रहता है कि सर SMD कौन सी लेनी चाहिए, कौन सा बेस्ट होता है, मैं एंड्रॉयड का मोबाइल रिपेयर करता हूँ, मैं कीपैड फ़ोन रिपेयर करता हूँ, कौन सी SMD सही होगी, 2000 से कर सकते हैं कि नहीं, क्या 10000 का SMD लेना ज़रूरी है। तो इस टॉपिक पर आज हम थोड़ा सा आप लोगों से बात करेंगे कि SMD आपके लिए कौन सी अच्छी होगी और कौन सा SMD आपको लेनी चाहिए, ठीक है। और SMD के बारे में भी हम जानेंगे कि सिर्फ हम लोग मार्केट में SMD कहते हैं कि ये फलानी मॉडल है, ये क्विक है, ये हमारा सनशाइन है, एवरीथिंग, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं। तो SMD कोई सा भी हो, ठीक है, हमें ना उसकी क्वालिटी के बारे में जानना पड़ेगा। आप उसकी क्वालिटी को कैसे जान पाएंगे? तो चलिए हम लोग आते हैं और इसकी क्वालिटी की जाँच करते हैं। तो आ चुके हैं हम अपनी PC की स्क्रीन पे, और PC की स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारे ऐसे SMD हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। हर टाइप की यहाँ SMD अभी तक आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट में जो चलती है नॉर्मल, यहाँ पे मैक्सिमम टाइप की SMD हमने कवर किया है, ठीक है। अब ये जो इतने सारे SMD आप देख रहे हैं, अब इनमें आपको ये ज़्यादातर कन्फ्यूज होता है कि सर मेरे को कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा, कौन सा बेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो SMD होता है ना, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जिसको कि आप लोग एलिमेंट्स कहते हैं या कॉइल कहते हैं, वो कॉइल कौन सी कॉइल होनी चाहिए जिससे कि आपका काम बढ़िया होगा, ठीक है। देखिए, आप अगर सस्ती SMD भी लेते हैं ना, और उस सस्ती SMD के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो एलिमेंट अच्छी हो, कौन सी ऐसी एलिमेंट है जो कि होनी चाहिए, तो आपका SMD ना अच्छा काम करेगा। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने एक एलिमेंट का इमेज है। ये जो इमेज है, ये इमेज को हम लोग कहते हैं स्पायरल। ये स्पायरल एलिमेंट है। स्पायरल एलिमेंट का खासियत होता है कि इससे जो हीटिंग निकलेगा और इससे जो एयर निकलेगा वो टर्न होकर के आएगा, राउंड होकर के आएगा, जिससे क्या होगा कि कम हीटिंग में भी आपकी IC जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो पाएगी और वो आसानी से मदरबोर्ड से बाहर आएगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्पायरल एलिमेंट। स्पायरल एलिमेंट की जो SMD होती है वो बेस्ट होता है। इसके बाद जो अभी आप देख रहे हैं, ये इसको इंजेक्टर कहते हैं। ये जो एलिमेंट अभी आप देख रहे हो, ये इंजेक्टर एलिमेंट है। ये इंजेक्टर एलिमेंट ना सूट, मतलब मतलब आउटपुट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आउटपुट की अगर हम बात करें तो कहीं पे भी अगर आप IC वगैरह का काम कर रहे हैं और अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी अगर आपको अच्छी तरह से ऑपरेटिंग नहीं पता है इस SMD की, तो अगर आप इस SMD से 350 लगा देंगे अपनी मदरबोर्ड पे, तो आपका IC तो निकलेगा, लेकिन साथ ही साथ IC के नीचे जो पैड हैं, जो बोर्ड हैं, वो बोर्ड भी फूल जाएंगे, और बोर्ड फूलने की वजह से आपका मदरबोर्ड डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपका स्पायरल नहीं है, इंजेक्टर एलिमेंट है, जो कि अभी आप यहां देख रहे हैं, ये आपका इंजेक्टर एलिमेंट है, तो अगर ये इंजेक्टर एलिमेंट वाली आपकी SMD है, तो उस कंडीशन में आपकी जो SMD है वो आपके IC काम के लिए उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, ठीक है। हाँ, इससे आप कनेक्टर का काम कर सकते हैं, चार्जिंग पिन का काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं CPU का काम करूं, EMMC का काम करूं, पावर IC की काम करूं, तो ये जो है आपका इंजेक्टर है, ये आपके IC को ऊपर से इतना ज़्यादा गर्म करता है कि नीचे हमारा मदरबोर्ड फूल जाता है। लेकिन अगर आप स्पायरल एलिमेंट यूज करते हैं, जो कि आप ये देख पा रहे हैं स्पायरल एलिमेंट, तो इस एलिमेंट की खासियत है कि ये राउंड सर्कल में आपके एयर को फोकस करता है और हीट को राउंड सर्कल में आपके मदरबोर्ड पे इंजेक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि आपके मदरबोर्ड जो है वो फूलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और आपका स्मूथली काम होता है। अब रही बात कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स आपके सस्ते SMD में भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास अभी SMD आप चला रहे हैं, तो आप उसकी हैंडल में देख सकते हैं, या हैंडल की एक नट को रिमूव करके देख सकते हैं कि इसके अंदर में कौन सी एलिमेंट लगी हुई है। अगर उसके अंदर में इंजेक्टर एलिमेंट लगा हुआ है, तो ये SMD आपके IC वर्क के लिए उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। और अगर स्पायरल है, तो आप उससे IC का काम भी कर सकते हैं और कनेक्टर की भी काम कर सकते हैं। बोर्ड को ये ज़्यादा गर्म नहीं करता है, बोर्ड को ज़्यादा ये नुकसान नहीं पहुँचाता है, ठीक है। तो जब आप सस्ती SMD लेते हैं, तो सस्ती SMD में कंपनी जो है वो इंजेक्टर एलिमेंट का इस्तेमाल करता है, और अगर वो अच्छी SMD आप लेते हैं, तो उसके अंदर कंपनी स्पायरल का इस्तेमाल करती है, जिसमें ऑटो कट फंक्शन वगैरह भी होता है, क्योंकि ऑटो कट के लिए इसी में आपको सेंसर यहाँ पे एक लगा होता है मैग्नेट को डिटेक्ट करने के लिए, जिससे आपकी करंट स्टॉप एंड
एक्टिव होता है, यहाँ पे जो आप वायर देखते हैं, और एक होता है जिसमें सिर्फ दो वायर निकली रहती है, ओनली टू वायर्स, तो वो उसमें आपको ऑटो कट का भी फंक्शंस नहीं मिलेगा, ज़्यादा हीट भी करेगा आपके मदरबोर्ड को और आपके बोर्ड में नुकसान भी हो पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि SMD की जो यूर्च है, जो SMD का काम है, वो डिपेंड करता है उसके एलिमेंट के अकॉर्डिंग। अगर उसके अंदर एलिमेंट आपका स्पायरल है तो आपका अच्छा है, और इंजेक्टर है तो वो बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन उसको आप लो टेम्परेचर पे यूज करने का कोशिश करें। ज़्यादा टेम्परेचर पे आप उससे कोई भी IC नहीं निकालें, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा मदरबोर्ड का। तो एवरीवन, आपने देखा कि एक SMD को आप किस तरह से चूज कर सकते हैं, और दूसरा कि एवरीवन हमारे पास जो फ्री क्लासेस भी चलते हैं, अगर उस फ्री क्लासेस की वीडियो आप देखना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और हमारे पास ऑफलाइन एंड ऑनलाइन की भी सुविधा है, आप कोई भी क्लास लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।